भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंदौर में मशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भारत में रह रहे बांग्लादेशियों पर जमकर विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनूठा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी भारत छोड़ो का नारा दिया और मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इंदौर के रीगल तिराहे से निकली मशाल रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर निकले और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया। जी देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में हजारों की संख्या में युवाओं के साथ मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, फलस्वरूप अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, भाई कहीं ना कहीं काले अंग्रेज देश के अंदर छोड़ करके चले गए और उन काले अंग्रेजों की सरकार ने करीब 55 वर्ष तक इस देश के ऊपर राज किया और अब कहीं ना कहीं हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार इसको लेकर के कदम उठाती है, बांग्लादेशियों को बाहर करने की मुहिम की शुरुआत करती है, तो उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल की सरकार, ये सभी हमारी सरकार का विरोध करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बांग्लादेशियों को वोट बैंक के माध्यम से ये लोग इस्तेमाल करते थे और जब तत्कालीन केंद्र सरकार थी कांग्रेस की और लचर कानून व्यवस्था के चलते कई हजारों लाखों बांग्लादेशी रोज बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस जाते थे और आए दिन चोरी, डकैती, लूट और यहाँ तक कि ऑनर किलिंग की घटना को भी अंजाम देते थे और अब उनका निकालना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से हमारे देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे थे। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये ऐसा नारा युवा मोर्चा ने दिया है। डिटेक्ट यानी कि पहले उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। डिपोर्ट यानी कि उनको चिन्हित करो और डिलीट यानी कि उनको मतदाता सूची से बाहर करो और उसके बाद देश से उनको बाहर निकालो। कुल मिलाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाते हुए भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।